चलिए जानते हैं देश और राज्य की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज पीएम मोदी जी ने लाइव आकर वित्त मंत्री के साथ मिलकर बैठक की। बैठक में कुछ जरूरी फैसले लिए गए हैं, साथ ही एक बड़े सरकारी पैकेज का भी ऐलान किया गया है। क्योंकि दोस्तों, देश में कुछ नई योजनाएं बनाई जाएगी और भारत के जो भी गरीब किसान, महिला, मजदूर है, उन सभी को बड़ा फायदा मिलेगा। अगर आप राशन कार्ड धारक है, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड है, तो आपके बैंक खाते में सरकार के तरफ से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही इस वीडियो में महंगाई, मौसम, समाचार, रेल सेवा, बस, बाजार, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल और मोदी सरकार की सभी बड़ी घोषणाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सबसे पहले बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अब आपको फ्री राशन के साथ मिलेंगे और भी कई सारे फायदे, जैसे कि आपको फ्री में बिजली, फ्री गैस सिलेंडर, फ्री मोबाइल के साथ 15,000 रुपये मिलेंगे सीधे बैंक खाते में। वहीं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में करने जा रही है यहां बदलाव, अब आपको मिलेंगे ज्यादा पैसे। अगर आपका भारत के किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक में खाता है तो बैंक में नहीं रखना चाहिए 5 लाख से ज्यादा रुपए, जानिए इसका क्या होगा नुकसान। और अब LPG गैस सिलेंडर 1050 में नहीं, मात्र 450 रुपये में मिलेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक और बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं। 100 रुपये वाले नोट को लेकर आई है बहुत बड़ी खबर। RBI ने जारी किया नई गाइडलाइन। अगर आपके पास भी 100 रुपये का नोट है तो एक बार इस खबर को जरूर जान लीजिए, वरना आपको बड़ा भयंकर नुकसान हो सकता है। अब घर लेने का सपना होगा पूरा। जियो दे रहा है सस्ता लोन, मिलेगा हाथों हाथ घर बैठे लोन। वहीं अगर अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो गूगल आपको घर बैठे देगी नौकरी, जिससे दोस्तों आप लोग प्रतिदिन 1500 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। ये काम अनपढ़ और कम पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। 5 रुपये का ये सिक्का हुआ बंद, RBI को मजबूरी में लेना पड़ा बड़ा फैसला, जानिए कौन सा सिक्का बंद हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर, क्या आपने भी खुलवाया है जीरो बैलेंस का बैंक खाता? वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। बैंकों को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी, KYC को लेकर RBI ने सभी बैंकों को दिया है नया आदेश। और CM योगी ने ज्ञान डेयरी का उद्घाटन किया और उद्घाटन करते हुए बोले कि प्लांट लगने से लोगों को मिलेगा रोजगार और होगा बड़ा विकास। अगले 24 घंटे में भारत के 10 जिलों में होगी भारी बारिश, चलेगी आंधी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिवाली स्पेशल में महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, जाने क्या है पूरी खबर। और भी आपके लिए कुछ नए नियम जारी होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इतने दिन रहेंगे स्कूल और बैंक बंद। चलिए दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। राशन कार्ड है तो सरकार की तरफ से मिलेगा 2500 रुपये का फायदा। अगर आप एक युवा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन राशन कार्ड की सूची में आपका नाम है, तो आपको 2500 रुपये का फायदा हर महीने मिलेगा। आखिरकार किस राज्य की योजना है, किस प्रकार आपको फायदा उठाना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अगले 10 मिनट के अंदर आपको देने वाली है। साथ ही अगली बड़ी खबर, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी गरीब लोगों को मिलेगा 8,000 रुपये, जल्द हो सकता है ऐलान। आप सभी को बता दें, किसान को लेकर मोदी सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है। इस खबर के बारे में आप सभी को विस्तार से बताएंगे। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की राशि आपके खाते में पहुंचती है तो इस बार आपको बड़ा फायदा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मकान की मरम्मत के लिए सरकार देगी 80,000 रुपये, जान लीजिए इस योजना के बारे में। अगर आपका घर टूटा फूटा है या आपका मकान पुराना है तो सरकार की तरफ से एक काम की खबर है, आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और
₹85,000 प्राप्त करके अपने घर की मरम्मत करवा सकते हैं। कैसे आपको फायदा उठाना है, किसानों को किस प्रकार फायदा मिलेगा, इन सभी खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर। साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को दिवाली पर मुफ्त में गैस सिलेंडर देगी केंद्र सरकार, जान ले पूरी खबर विस्तार से। आप सभी को बता दें, दिवाली का त्यौहार पास आने वाला है जिसके बाद सरकार की तरफ से कई बड़ी खुशखबरी आम जनता को दे रही है। आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से पहले राशन कार्ड पर कई राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग स्कीम आई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से रसोई गैस सिलेंडर के दामों को सस्ता किया गया। इसके बाद और भी कई खुशखबरी आ चुकी है जिसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। दिवाली से पहले आम जनता को कौन कौन से बड़े फायदे मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देख ले, साथ ही आप सभी को बताएंगे सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार आज रात 12 बजे से पूरे देश में दो बड़ी चीजों पर लगाएगी पाबंदी, आम आदमी के जीवन पर सीधा पड़ेगा असर। आप सभी को बता दें, मोदी सरकार आपका रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली दो बड़ी चीजों को आज रात 12 बजे से बंद करने वाले हैं। आखिरकार पूरे देश में कौन कौन सी चीजें आज रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही आप सभी को बता दें, सरकार का बड़ा फैसला, घर में है छोटी बेटी तो मिलेंगे इतने ₹1,000, बस इस योजना में करना होगा आवेदन। अगर आपके घर में कोई छोटी बेटी है तो यहाँ खबर आपके काम की है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। खासकर मजदूरों को लेकर कई सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही ट्रेन यात्रा, बस यात्रा को लेकर लागू होने वाले हैं नए नियम, ताज़ा सब्जियों के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस सिलेंडर के दाम, सोने चांदी का भाव के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही आपके क्षेत्र के, आपके राज्य में मौसम की जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो चलिए सभी खबरों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज की पहली बड़ी खबर, पीएम किसान योजना के तहत आपको मिलेगा ₹8,000, जल्द हो सकता है ऐलान। आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना के तहत सालाना ₹6,000 का किस्त मिलने वाले को बढ़ाकर सालाना ₹8,000 किया जाएगा। इस महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस ऐलान को लागू किया जा सकता है, लेकिन ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निकलकर सामने आ रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मकान की मरम्मत के लिए सरकार देती है ₹8,000, जान लीजिए कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। सरकार गरीब किसानों को घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत ₹80,000 की राशि दी जाती है। आप सभी को बता दें, सरकार की ओर से अंबेडकर नवीकरण योजना के तहत आपको यहां लाभ दिया जाता है, जिसके तहत मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आप सभी को बता दें, अगर आपके पास आधार कार्ड, जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक में खाता और मोबाइल नंबर है तो आप इस योजना में आवेदन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपका मकान टूटा फूटा होना चाहिए और आपका मकान पक्का नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, घरेलू काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगे ₹10,000, जाने किस राज्य में शुरू होगी योजना। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया है कि राज्य सरकार घरेलू काम काज करने वाली सभी महिलाओं को ₹10,000 की आर्थिक लाभ देगी। अगर आप इस फायदा को उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। अगर आप एक महिला है तो आपको सरकार की तरफ से इसका फायदा दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को अब मिलेंगे ₹1,250 सीधे खाते में हर महीने, जल्द जान ले इस खबर के बारे में। आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से एक खास योजना है जिसे महिलाओं को ₹1,250 का लाभ मिलेगा। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत सीधे ₹1,250 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पहले ₹1,000 महिलाओं के खाते में हर महीने ट्रांसफर की जाती थी इस योजना के तहत, लेकिन अब सरकार ने ₹250 की राशि बढ़ाकर कुल ₹1,250 ट्रांसफर करने की फैसला लिया है, जिसका फायदा देश की और मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की खास योजना जान ले, इस खबर
के बारे में आपको मिलेगा बड़ा फायदा। अगर आप एक किसान है या फिर पशुपालक है तो आप सभी को 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए का फायदा घर बैठे मिलेगा। चलिए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप सभी को बता दिया जाए, समय समय पर सरकार की तरफ से गरीब किसानों और मजदूरों को लेकर कई सारी योजनाएं शुरू की गई है, लेकिन लोगों के पास सही जानकारी नहीं होने के कारण आम आदमी इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। इस योजना के बारे में आप सभी को विस्तार से बताएंगे। आप सभी को बता दें, योगी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नंद बाबा दुग्ध योजना की शुरुआत की गई है। आप इस योजना में अप्लाई करके 10 से लेकर 15,000 रुपए का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो पशुपालक है वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप एक पशुपालक है तो आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करके इस योजना में अप्लाई करके इसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खुशखबरी, महिलाओं को दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देगी केंद्र सरकार। जान ले पूरी खबर विस्तार से। अगर आपके पास भी पीएम उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन है और आपने अभी तक अपना बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराए हैं तो आप बिना देरी किए तुरंत बैंक जाकर और खाते को आधार से लिंक करा ले, तभी आपको फ्री गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगा। बता दें कि खाते को आधार से लिंक कराना जरूरी है ताकि आपको बिना किसी रुकावट के गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ आपको मिल सके। आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से ये फायदा सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाले लोगों को मिलेगा। अगर आपने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त कर रखा है तो आप इस योजना में अप्लाई करके इसका फायदा भी प्राप्त कर सकते हैं।